बिग बॉस के विरोध में उठ रही लहर अब मथुरा तक पहुंच गई है, जहां के अध्यात्मक रक्षा मंच एवं युवा ब्राह्मण सभा के कार्यकर्ताओं ने इसे हिंदू धर्म संस्कृति पर हमला बताते हुए शो पर रोक लगाए जाने की मांग की है। कलर्स टीवी चैनल पर चल रहा है कार्यक्रम बिग बॉस, जिसमें इस समय चल रही गलत गतिविधियों और भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है, जिसे लेकर मथुरा वृंदावन में समाज सेवियों एवं संतों में भारी आक्रोश है। उन्होंने बिग बॉस पर सरकार से रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो संत समाज आम जनमानस के आंदोलन करेंगे। दरअसल टीवी शो बिग बॉस जो कि कलर चैनल पर चल रहा है, जिसमें कि कई लड़कियां और लड़के इस कार्यक्रम में शामिल हैं, और समाज का मानना है कि इसमें जो दिखाया जा रहा है वो हमारी भारतीय संस्कृति को खराब कर रहा है, क्योंकि इसमें सनातन धर्म के खिलाफ बातें की जा रही हैं। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश युवा ब्राह्मण महासभा ने वृंदावन में बैठक और विरोध प्रदर्शन किया। वृंदावन के संतों ने कहा कि जिस तरीके से कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस में मुस्लिम लड़के एवं ब्राह्मण हिंदू कन्या को प्रेम प्रसंग दिखाया गया है, और जो कि सनातन परंपरा एवं हिंदू धर्म को घोर अपमान है, जिसे हिंदू धर्म बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं वृंदावन के संत फुलडोज महाराज ने कहा कि जिस सिनेमा में जो आजकल चल रहा है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जिस तरीके से इन संबंधों को बताया गया है वह समाज के खिलाफ है, और ऐसे लोगों को गुंडों की संज्ञा दी जाती है। इस कार्यक्रम में कई संतों ने भाग लिया, और सभी का कहना है कि कलर्स पर चल रहे बिग बॉस के कार्यक्रम को तुरंत बंद किया जाए और समाज से माफी मांगे, इस तरह के कार्यक्रम पर रोक लगे। मारी किस चीज को लेकर बैठक की गई है? बैठक वृंदावन में युवा ब्राह्मण समाज की ओर से बैठक हुआ है। वैसे युवा ब्राह्मण सा पूरा हिंदू समाज के एक तरह से मीटिंग समझिए। जिस तरह से सिनेमा में हमारे भारतीय संस्कृति को, हमारी कन्याओं को, हमारे मातृशक्ति जिससे अपमान किया जाता उसके विरोध में है। सिनेमा के एक्टर जितने हैं सारे गुंडे सब होते हैं, हमारे संस्कृति को विरोध करने वाले, हमारे संस्कृति को सत्यानाश कर, जिस मातृ शक्ति को हम लक्ष्मी की अधिष्ठात देवी पर प्रतिष्ठा, जिस मातृशक्ति को जिस विद्या के अधिष्ठात सरस्वती रूप में पूजन किया, जिस देश पर राष्ट्र पर समाज पर यह काली दुर्गा ग्रह पर उस मातृशक्ति को इस तरह से अपमान किया जाता है। जिसको हम भारत को माता कहते हैं, पृथ्वी को माता का गौ मा, उस मातृशक्ति उस देवी को इस तरह से सिनेमा में अभद्र दिखाया जाता है। भारत से किसी ईसाई मुसलमान को दिखा दे, नहीं दे, हम लोग संस्कृति का ये मतलब नहीं है। जो कुछ बोल दो भारतीय संघ के ये हम मातृशक्ति का अपमान करें, हमारे देश का अपमान करें, हमारे समाज का अपमान सनातन, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए शासन से और भाजपा सरकार से सभी हिंदू मात से कहता इसका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। जो भी किया है, जो भी इसने, उसको अविलंब जेल करना चाहिए। इससे कुछ होने वाला नहीं है, जेल करके उसको दंड अच्छी तरह से दिया। जो जो इसमें इन्वॉल्व है, जो जो एक्टर है, जो इस कार्य को कर रहा है, अविलंब उसको गिरफ्तार कर जेल देना शासन में, यही कहा। तभी हमारे संस्कृति, हमारे आत्मा की शांति। इस तरह से करने से मैं कह दूँ, कोई ईसाई को, मुसलमान को, अल्लाह को, खुदा को शिकायत करके दे, हमारी संस्कृति कोई भी कुछ कर दे, कोई भी कुछ कर, जिसको आप, ये स्वतंत्रता नहीं है। हमारे स्वतंत्रता किसी को नहीं दिया गया। जो ये छोरा छोरी एक कमरे में बैठ करके क्या अग्नि और घी एक साथ रह सकता क्या? जहाँ अग्नि घी रहेगा पिघलेगा ही। ये भारतीय ब्राह्मणों का, ब्राह्मण का अपमान है, हिंदू संस्कृति का, सनातन संस्कृति का। इसलिए अब्रह्म इस पर निर्णय ले और उसको गिरफ्तार कर जेल भेजे, ताकि कौन भी बोल रहा, कोई सिनेमा का कोई एक्टर एक्टर कुछ हो, जो इसके विरोध में उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। इसकी रोक के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? हम लोग आंदोलन का, साधु समाज भी आंदोलन, साधु समाज आंदोलन कर दिया, आप लोग भी आंदोलन कर, सब साधु हिंदू मात्र इस सनातन से इसका अपमान को सहेगा ने, हम लोग और आंदोलन कर, नहीं तो धरना दूंगा, प्रदर्शन करूंगा, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री सबसे मिलूंगा। बिग बॉस नाम से एक कार्यक्रम चला रहे, जिसने एक संकल्प कर रखा है सनातन संस्कृति को बिगाड़ने का, सनातन संस्कृति की बहन बेटियों को अशुद्ध करने का, जिसमें अभी विगत दिनों से उन्होंने एक संकल्प किया है कि जितने भी हिंदू सनातन संस्कृति की बहन बेटियां हैं उनको अशुद्ध किया जाए। इसके लिए ब्राह्मण बेटी और एक कश्मीर के मुस्लिम बेटे को एक कमरे में 5 दिन रहने का, एकांत में और बिना विवाह के संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया है। क्या ये सनातन संस्कृति स्वीकार करेगी? क्या सनातन धर्म स्वीकार करेगा?
ये भारत है और भारत में इस प्रकार का कोई भी युवा ब्राह्मण तो कभी स्वीकार करने वाला नहीं है। इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से इस बात को उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि अतिशीघ्र इसको बंद करना चाहिए और सरकार भी इस पर संज्ञान लेते हुए अतिशीघ्र चैनल को भी बंद करे और बिग बॉस इस पर माफ़ी मांगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा युवा ब्राह्मण मथुरा पूरे भारतवर्ष में एक आंदोलन तैयार करेगा और जिसका पूरा पूरा कार्य गवर्नमेंट और बिग बॉस पर जाएगा। इसके कर्ता धर्ता वही होंगे, वही जिम्मेदारी लेना चाहिए उनको और उसकी जिम्मेदारी वही लेंगे, क्योंकि हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा, युवा ब्राह्मण मथुरा के द्वारा और उत्तर प्रदेश ब्राह्मण महासभा मथुरा के द्वारा ये विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है, तो आप के चैनल के माध्यम से ये उन तक बात पहुंचे, इसके लिए आज यहाँ पर एक सूक्ष्म रूप से धरना प्रदर्शन किया गया है। ये जो है बिग बॉस ने अभी एक कार्यक्रम चलाया है जिसमें बहुत ज्यादा गंदी बात कही है कि एक लड़का और एक लड़की, हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का एक कमरे में रखे हम लोग शादी से पहले बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये मैं मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों से कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को तुरंत बंद किया जाए। अगर सलमान खान को, बिग बॉस को माफी मांगनी चाहिए, ये भारत की संस्कृति को नष्ट करने की बात आ गई है। अगर ये नहीं हुआ तो आने वाले समय पर ये बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा और बिग बॉस को इस चैनल को बंद कर देना चाहिए। चैनल को पहले देखना चाहिए ना कि हम लोग क्या दे रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। ये इस तरह का अगर दिखाते रहेंगे, अब जो है हमारे जब से मोदी सरकार योगी सरकार आई है तब से इन्होंने ये दिखा दिया है कि हमारा भारत बहुत साफ सुथरा है, सनातनी है, सब धर्मों को मानने वाला है, सबको साथ सबका विकास करने वाला है। अगर इसने नहीं किया तो एक इतना बड़ा आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको तुरंत माफी मांग के और अपने कहे हुए शब्दों को वापस ले। हमारे यहाँ बहन बेटी की इज्जत की जाती है, पूजा की जाती है, नवरात्रि में 9 दिन बेटी की पूजा करनी की जाती है। महिला आयोग से कहना चाहता हूं कि आप लोग शांत क्यों हैं? इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी आप लोग को आंदोलन करना चाहिए, सभी महिला माताओं को भी इसमें आंदोलन में शामिल होना चाहिए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।